हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज का वीडियो के टाइटल पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज एक फेस पैक बनाने जा रही हूँ। जैसे कि अभी दिवाली आ रहा है और हम बिहारियों के लिए छठ पूजा आ रहा है और ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक फेस पैक मतलब स्किन केयर बताने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, एक्ने फ्री बनाएगा, ठीक है, और आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगा। और ये बहुत ही जो प्रोडक्ट मैं दिखाने जा रही हूँ ये बहुत ही हर्बल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई भी आपकी स्किन को नुकसान नहीं देगा, कोई भी हार्म नहीं करेगा, बिल्कुल भी हार्श नहीं होगा और आपको इससे इन्फेक्शन भी नहीं होगा। ये बहुत ही एक अच्छा सा हर्बल प्रोडक्ट है जो कि आप 100% इसको ट्रस्ट कर सकते हो। मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है इंडस वैली की तरफ से। तो इंडस वैली की तरफ से मुझे एक किट रिसीव हुआ है स्किन केयर किट, जो कि इंडस वैली आप सब जानते हो कि 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, 100% हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी केमिकल्स यूज नहीं होता है, 100% सेव है आपके लिए। और इसका जो प्राइस रेंज है वो भी मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, आपको इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मुझे जो रिसीव हुआ है वो है एक एलोवेरा जेल, ये मुझे एक बहुत ही बड़ा सा एलोवेरा जेल रिसीव हुआ है, ठीक है, और ये एलोवेरा जेल है इंडस वैली का बायो ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल। तो इसके बारे में मैं अभी और बात करूंगी। जो नेक्स्ट मुझे ये किट रिसीव हुआ है, ये एक छोटा सा किट है, ये भी बायो ऑर्गेनिक इंडस वैली की तरफ से है। तो इसमें जो मुझे रिसीव हुआ है, आप सब देखो, इसमें मुझे रिसीव हुआ है वो एक, ये एक छोटा सा बुक है, इसमें सारा रेसिपी दिया हुआ है और इसमें सारे प्रोडक्ट के बारे में लिखे हुए हैं आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मुझे रिसीव हुआ है वो एक मुल्तानी मिट्टी। नेक्स्ट जो है वो है एलोवेरा एंड क्यूकम्बर टोनर, ये टोनर है। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है टी ट्री ऑयल, ठीक है। तो मैं वन बाई वन ये सबके बारे में आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले इस ब्रांड के बारे में मैंने बता चुका है कि 100% हर्बल नेचुरल है, तो आप 100% इसको ट्रस्ट कर सकते हो, इसके प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो और आप यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं स्किन केयर के लिए भी लाइक, और हेयर केयर के लिए भी, ये बहुत ही फायदा होता है इससे। जो मेरे पास पहला प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जेल, और आप देख सकते हो कितना बड़ा है, और ये 100% प्योर एलोवेरा जेल है और ये 400 ml का प्रोडक्ट मुझे मिला है। तो इसमें 400 प्रोडक्ट है, इसको आप आराम से बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हो और आप इसको अपने हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अपने स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जो लिखा हुआ है ना कि ये एलोवेरा जेल फॉर यंग एंड रेडियंट स्किन एंड हेयर के लिए है और ये नॉन टॉक्सिक है और 100% प्योर है। और इसका जो डायरेक्शन फॉर यूज़ है वो है, टेक अ डैप ऑफ द जेल इन बिटवीन डैम्प हैंड एंड अप्लाई ऑन फेस, नेक एंड हैंड, मसाज ऑन स्कैल्प एंड हेयर। इसका जो इसमें लिखा हुआ है कि आपको अपने हैंड को क्लीन कर लेना होगा पहले, यूज़ करने से पहले, उसके बाद आप अपने हैंड पे लो, अपने फेस के साथ अपने नेक पे भी लगाओ, ईयर्स पे लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज मैंने बहुत देखा है कि लोग अपने स्किन, अपने फेस की और नेक की केयर करते हैं बट ईयर्स भी नहीं करते हैं। तो अपने फेस, ईयर्स और नेक से करना, और अपने हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हो। और आपको अपना हेयर सिल्क स्मूथ चाहिए, डैंड्रफ भी चाहिए, हेल्दी चाहिए, ठीक चाहिए, तो आप अपने इसको हेयर पे भी लगा सकते हो, अपने स्कैल्प पे लगा लो, कोई भी पैक में मिला के हेयर पैक में, या आप ऐसे डायरेक्ट इसको लगा सकते हो। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है ना वो एलोवेरा जूस, रोज वाटर, वीट ग्राम एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, हनी, लेमन पील एक्सट्रैक्ट, देन इसमें और भी ऐसे दो चार तो और भी दिए हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बिल्कुल हार्श नहीं है, बहुत ही अच्छा है हेयर के लिए। तो आप 100% इस एलोवेरा जूस से कुछ जान सकते हो, ठीक है। और आप सब जानते होंगे कि कोई भी एलोवेरा जूस लगाए या नेचुरल एलोवेरा लगाए ना, तो ये हमारे स्किन और हेयर के लिए कितना फायदेमंद होता है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो अगर आपको एलोवेरा कोई जेल चाहिए 100% प्योर एंड नेचुरल, तो आप ये इंडस वैली का एलोवेरा जूस के लिए जा सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं हम इस किट की तरफ। इस किट में जो सबसे पहले प्रोडक्ट है ना वो मुझे मिला है एक रेसिपी बुक, ये एक छोटा सा बुक है बहुत क्यूट सा, और इसमें ना बहुत सारी रेसिपी दी हुई है, मतलब जितने इनका प्रोडक्ट है ना जितना, वो सबके बारे में इसमें दिया हुआ है, किसको कैसे यूज़ करना है, किसको किसके साथ मिला के यूज़ करना है, फायदा होगा। और इसमें ऊपर में हेडिंग भी लिख दिया है कि हेयर के लिए ऐसे फायदा करेगा और ये स्किन के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए अलग अलग सारी रेसिपी दी हुई है। तो आप ये बुक को पढ़ के ना आराम से इजिली आप ये अपना फेस पैक, अपना हेयर पैक बना सकते हो। कोई भी यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है या कोई भी अपना लाइक, ये एक बुक है जिसको आप इजीली देखोगे, 2 मिनट में बना लोगे और अप्लाई कर लोगे, तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल बुक है। जो नेक्स्ट मेरे पास प्रोडक्ट है ना वो है इंडस वैली की तरफ से मुल्तानी मिट्टी पाउडर, और आप सब जानते हो कि मुल्तानी मिट्टी पाउडर हमारे हेयर और स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। तो मैं सिर्फ स्किन की बात करूँ, मैं स्किन के लिए बताऊंगी, ठीक है। तो मुल्तानी मिट्टी पाउडर ना स्किन के लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल होता है। लाइक अगर आपको पिंपल्स आते हैं या आपको पिंपल्स के दाग है, तो आप इसको हर वीक में 3 बार लगाओगे ना, हर वीक, तो सिर्फ आप मुल्तानी मिट्टी को ना सिर्फ वाटर में भी अप्लाई करके आप वीक में 3 बार लगाओगे ना, तो आपका 1 मंथ में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये मुल्तानी मिट्टी पाउडर कितना हेल्पफुल है। और आप जो भी मुल्तानी मिट्टी, कोई भी मुल्तानी मिट्टी यूज़ मत करना, मतलब यूज़ करना जो 100% प्योर हो, नेचुरल हो, नॉन टॉक्सिक हो, उसमें कोई भी केमिकल्स ना हो। तो ये मेरे पास जो प्रोडक्ट है ना वो है 30 ग्राम का प्रोडक्ट है, ये पैक है, और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स विच आर रिच ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर लिखा हुआ है। लाइक इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बना हुआ है, इसमें भी कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं किया गया है और फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किया गया है। तो इसमें भी डायरेक्शन लिख दिया गया है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर भी डायरेक्शन, ऊपर मेंशन यहाँ पर किया हुआ है कि उसको कैसे यूज करना है। तो इसमें लिखा है, टेक सम अमाउंट ऑफ मुल्तानी मिट्टी पाउडर एंड रोज वाटर और मिल्क इन अ नॉन मेटालिक बॉल, मिक्स इट वेल विद हनी लाइक पेस्ट, अप्लाई ऑन योर फेस एंड स्किन फॉर सम टाइम एंड अलाउ इट टू ड्राई, वॉश इट ऑफ विद अ रनिंग वाटर, सेम प्रोसेस इफ यू अप्लाई ऑन हेयर। अगर आपको नॉर्मली इसमें अप्लाई करना है ना, तो जस्ट आपको मुल्तानी मिट्टी देना है और मुल्तानी मिट्टी का आप रोज वाटर मिला लो और उसको एक नॉन मेटालिक बॉल में इसको मिक्स कर लेना, अच्छे से एक पेस्ट फॉर्म कर लेना, और इसको आप अपने फेस में लगा सकते हो और सेम को आपके हेयर पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर से अप्लाई कर सकते हो, और जो मैं जो प्रोसेस बताऊंगी वो अलग प्रोसेस है, उसको भी आप देख के अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसमें जो इंग्रेडिएंट है ना वो है मुल्तानी मिट्टी पाउडर, इसमें और कुछ नहीं मिलाया गया है, जस्ट मुल्तानी मिट्टी पाउडर मिलाया गया है। और ये एंटी टैनिंग के लिए है, रिमूव एक्सेस ऑयल फ्रॉम स्किन, गिव्स रेडियंट ग्लोइंग स्किन, ब्लैक हेड्स रिमूवल एंड डीप क्लींजिंग, बॉडी स्क्रबर, और ये पोर्स को भी बंद करता है। तो देन मेरे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो है फ्रेश एलोवेरा एंड क्यूक्यूम्बर वाटर, ठीक है, ये एक टोनर है, तो इसका फेस पैक में भी डाल के अप्लाई कर सकते हो और इसको आप एज ए टोनर भी यूज कर सकते हो। और ये भी जो मेरे पास प्रोडक्ट है ना वो है 30 ग्राम का प्रोडक्ट,
और ये आपके पोर को टाइटन करेगा। ये पोर टाइटनिंग टोनर है विथ फ्रेश एलोवेरा एंड क्यूकम्बर वाटर, ठीक है। एलोवेरा जेल आप फिर से डालते हैं, एलोवेरा हमारे फेस के लिए कितना हेल्पफुल होता है, और क्यूकम्बर जो है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये आप कैसे यूज़ करना है, आपको ये ऐसा टोनर यूज़ कर सकते हो आफ्टर क्लीनिंग योर फेस, जब भी आपको लगे कि आपके फेस को टोनर की जरूरत है आप उसका अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारी स्किन को टाइटन करता है, ठीक है। और इसमें एलोवेरा जेल है, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट है, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट है, लेमन पील्स है, नीम है, टी ट्री ऑयल है, टोमेटो है और क्यूकम्बर ऑयल है। इसमें ऐसे सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है वो एक बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट है, बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। जो नेक्स्ट पास प्रोडक्ट है वो है टी ट्री ऑयल, एसपीट्री एसेंशियल ऑयल। ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है ना, ये प्राइम पैक है और ये मेरे को 5 ml का प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। और टी ट्री ऑयल ना थोड़ा महंगा आता है, आप सब जानते हो। सो गाइस, जो टी ट्री ऑयल है ना वो हमारे एक्ने के लिए और एक्ने स्कार्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, आप ना टी ट्री ऑयल को ना डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई मत करना, या डायरेक्ट अपने जो भी पिंपल्स है स्कार्स उस पर अप्लाई मत करना। हो सकता है कि अगर आप बार बार इसको यूज़ करो ना तो आपका स्किन जो हाथ की स्किन है वो बर्न हो जाए। तो आप इसको ना कोई भी मॉइस्चराइजर में 2 ड्रॉप डालो, 2 से 3 ड्रॉप डालो, आप अप्लाई कर लो। आप जो भी एलोवेरा जेल में आप इसको 2 से 3 ड्रॉप डालो, आप अप्लाई कर लो, या कोई भी फेस पैक लगा लो उसमें भी 2 से 3 ड्रॉप डालो, आप अप्लाई कर लो। मतलब किसी चीज़ में आप इसको डायरेक्ट करके उसके बाद अप्लाई करना, डायरेक्ट अप्लाई मत करना अपने फेस पे, ठीक है। तो ये सब बाय और ये सब इंद्रधारी के बारे में था, मैंने मुझे जितना भी पता था मैंने आपको बता दिया। तो अब चलते हैं फेस पैक बनाने की तरफ। गाइस, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मुझे अपना फेस एक ही यूज़ में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा फेस बहुत ही स्मूथ हो चुका है और जब मैंने फेस पैक को अप्लाई किया था तो बहुत ही कूली इफेक्ट था, जो कि मतलब मेरे फेस को बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा था। तो मेरे को तो ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आए एक ही यूज़ में। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब इसको हमेशा यूज़ करूँ। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करो और एक बार ट्राई करके देखो कि आपको कैसा लगता है, श्योर आपको भी पसंद आएगा। तो और जो एलोवेरा जेल है ना वो स्पेशली कूलिंग इफेक्ट देता है, वो लगाने के बाद ना आपके फेस में बहुत ठंडा ठंडा लगेगा, लाइक कूलिंग इफेक्ट देगा और उससे बहुत ही अच्छा फील होगा हमें। तो एक ही यूज़ में इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया, तो हम अगर वीक में 2 से 3 बार लगाएंगे तो हमें और भी अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो मैंने अभी अपने फेस को वॉश कर लिया है, तो मैं यही इंद्रस वैली का जो क्यूकम्बर एंड एलोवेरा टोनर है इसको मैं अपने एज अ टोनर अप्लाई करूंगी। तो ये टोनर ही है बट मैंने इसको अपने फेस पैक में भी अप्लाई किया था, डाला था। तो इसको इसका मैं 2 से 3 ड्रॉप अपने हाथ पे ले लूंगी और आपका हैंड ना क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा करके तो अब मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है। जब टोनर अप्लाई करूँगा तो आप कॉटन बॉल से भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने अभी हैंड पे अप्लाई किया है। तो मैंने हैंड पे अप्लाई करने से पहले मैंने अपने हैंड को क्लीन कर लिया था। तो अगर आप हैंड से अपना अप्लाई करना तो अभी अपने हैंड को क्लीन कर लो, उसके बाद अप्लाई करो। अब टोनर अप्लाई करने के बाद आप चाहो तो अपना जो भी मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन आप जो भी लगाते हो वो अप्लाई कर सकते हो, बट मैं इंडस वैली का जो मैंने आपको एलोवेरा जेल शो किया था वही अप्लाई करूँगी बिकॉज ये कूलिंग इफेक्ट दे रहा था। तो मुझे ये बहुत पसंद है और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है, लाइक इंडस वैली का मुझे जितना भी प्रोडक्ट रिसीव हुआ ना सारा का स्मेल बहुत अच्छा है। और जो टी ट्री ऑयल था ना वो उसका स्मेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग था बट उसका भी स्मेल बहुत ही अच्छा था। तो अब मैं एलोवेरा जेल अप्लाई करूँगी, तो मैं जस्ट थोड़ा सा एलोवेरा जेल लूंगी अपने हैंड पे, उसके बाद मैं अप्लाई कर लूंगी। तो आप देख सकते हो मैंने जब वीडियो को स्टार्ट किया था तब का स्किन और अभी का स्किन थोड़ा सा डिफरेंस आपको मे भी नजर आया हो, कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया हो कि मेरा स्किन बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है और फ्रेश फील हो रहा है बिल्कुल। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने इंद्रस वैली के बारे में बताया वो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप एक बार ट्राई जरूर करना और ट्राई करके मेरे को कमेंट में बताना कि आपको इंद्रस वैली ब्रांड कैसा लगा, इसका प्रोडक्ट कैसा लगा। टिल देन होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।